नमस्कार दोस्तों, आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं बाजार आज कैसा परफॉर्म किया, निफ्टी कैसे चली, बैंक निफ्टी कैसे चली और कल का बाजार कैसा हो सकता है, कहाँ कौन से लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे, कहाँ कौन से लेवल सपोर्ट का काम करेंगे, इंट्राडे के लिए पोजीशंस कहाँ बन सकती है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशंस कहाँ बन सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, दिस इज प्योरली प्योरली माई ऑब्जर्वेशन, मेरी एनालिसिस है, मैं स्टडी कर रहा हूँ मार्केट को, मुझे जो लग रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये पूरा गलत भी हो सकता है, तो प्लीज अपनी एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लें। यहां पे निफ्टी को अगर देखा जाए तो निफ्टी आज पूरे दिन सेलिंग ट्रेंड में ही रही। कल बाजार जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं से हम निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगा रहे हैं, वहीं से बाजार गिरता चला गया। आज का जो हाई था वो हाई बन के रह गया और यहां से बाजार एक रिवर्सल की तरफ रहा और एक लोअर हाई और लो लो के पैटर्न को फॉर्म करने के बाद में कल कम से कम 2 घंटे के आसपास निफ्टी एक ही रेंज में रही, जहां बाजार ने 17,250 के लो को नहीं तोड़ा, उसके ऊपर ऊपर रही ऑलमोस्ट और ऊपर में 350 को क्रॉस करने के लिए निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा कश्मकश करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट बाजार सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर बाजार बंद हुआ, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे अगर ये बाजार का ये लेवल अगर टूटता है तो फिर से हम 17,025 की तरफ जा सकते हैं, फिर से हम वही लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट बन जाता है तो यहाँ से फिर हम एक अपवर्ड रैली की वेट कर सकते हैं आराम से। अब समझने वाली बात है कि बाजार में क्या हाई और लो रहे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे बाजार के लिए। कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने कल आपको बहुत ही क्लियरली कहा था बाजार 17,424 के ऊपर सस्टेन करे, थोड़ी देर उसके ऊपर काम करे तो वहां से बाजार 17,556 के आसपास जा सकता है। जब मुझे लगता है कि 17,424 का लेवल टूटता है और बाजार पूरे दिन भी उसके ऊपर नहीं जाता है और पहले आधे घंटे के ट्रेड के अंदर अंदर ही बाजार ने उस लेवल को तोड़ दिया तो यहाँ से मेरे लिए ये एक बहुत ही क्लियर सेल ट्रेड बन जाता है, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियर था कल भी, मेरी स्ट्रेटेजी यही थी। मैं हमेशा से कहता हूँ ऑलवेज ट्रेड योर प्लान, आपने क्या प्लान बनाया है, क्या स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं उसके ऊपर ट्रेड कीजिए। मेरी स्ट्रेटेजी थी 17,424 के ऊपर चलेंगे हम, बाय करेंगे, बाजार खुला, हम कम से कम आधे घंटे बाजार की वेट करते हैं, आधे घंटे नहीं 15 मिनट तो वेट कीजिए, बाजार को सेटल तो होने दीजिए, आधे घंटे के अंदर अंदर बाजार की पूरी पोल खुल जाती है और यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दिया। देखिए ये जितनी भी कैंडल्स थी इन सब में विक ऊपर की तरफ थी, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको हमेशा से कहा है, चाहे फर्स्ट कैंडल की बात करें, सेकंड कैंडल की बात करें, थर्ड कैंडल की बात करें, इन सभी में विक ऊपर की तरफ ज्यादा है, ज्यादा हिस्सा जो विक का है वो जो शैडो जिसको आप कहते हैं वो कैंडल की ऊपर साइड में है, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर। जब सेलिंग प्रेशर है, आधे घंटे में क्लियर सेलिंग प्रेशर जब दिखाई दे रहा है तो मैं बिल्कुल भी यहां पे बाइंग का ट्रेड नहीं लूंगा। जो मेरी डायरेक्शन होगी ट्रेड की वो रहेगी नीचे की तरफ में, ठीक है। मेरे लेवल्स क्या रहेंगे, 17,424 के नीचे सीधा सीधा मेरा जो लेवल 17,260 के आसपास का लेवल था, 17,260 अगर तोड़ता है तो 17,160 का लेवल मेरा है, उसके नीचे में 17,050 तक का लेवल है, तो बेसिकली 17,250 तक के लेवल, अगर मैं 17,424 से वो 17,250 तक के लेवल ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स निफ्टी में इंट्राडे में मुझे मिलते हैं और यहाँ पे बाजार सस्टेन करता है, बाजार यहाँ पे काफी टाइम बिताता है तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करता हूँ, बट बंद होते होते भी एक सिग्नल मिलता है, बट क्योंकि वॉर सिचुएशंस हैं, बाजार अनसर्टेन है, मैं किसी भी पोजीशन को कैरी नहीं करता आज के डेट में, ना ही कैरी करने की सलाह देता हूँ। जितने मेरे खास लोग हैं नियर एंड डियर से, मैं हमेशा से कहता हूँ जो आज मिल गया इंट्राडे में लेके बाहर हो जाओ। पोजिशनल देखिए, फ्यूचर्स कर रहे हैं, निफ्टी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, इंट्राडे कीजिए। स्टॉक्स में पोजिशंस बनाइए तो आप पोजिशनल बनाइए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, उसमें आप एक्युमुलेशंस कर सकते हैं। निफ्टी में एक्युमुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हाई मार्जिन ट्रेड है और हाई वोलेटाइल ट्रेड है, तो यहाँ पे अगर इंट्राडे में 200 पॉइंट्स में से अगर आपको 50 पॉइंट्स भी कंफर्टेबली मिल रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि दिल्ली की हमारी मास्टर क्लास, टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास 24 अप्रैल को मैंने प्लान कर ली है और एक दिन की मास्टर क्लास होगी दिल्ली में, तो जितने भी लोग दिल्ली के आसपास में बुकिंग करा सकते हैं, अपनी मिनिमम 5,900 रुपए से आप बुकिंग करा सकते हैं, रेस्ट ऑफ द पेमेंट क्लास स्टार्ट होने के एक हफ्ते पहले तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पेड क्लास है, फुल डे वर्कशॉप है, पूरे एक दिन की वर्कशॉप रहेगी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 साढ़े 6 तक आप हमारे साथ रहने वाले, जिसमें ब्रेकफास्ट भी हमारे साथ होगा, लंच भी हमारे साथ में होगा और दिन भर में सीखेंगे ट्रेड लेना कहाँ है, क्यों लेना है। देखिए, सबसे बड़े सवाल जो रहते हैं कि ट्रेड क्यों लें और कहाँ लें, अगर ये दो चीजें समझ में आ जाती हैं तो आप पैसा बना ही लेंगे। आपकी स्ट्रेटजी बननी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन सा इंडिकेटर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, लगाना भी है कि नहीं लगाना वो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन चेन का डेटा क्या
कहता है, लॉन्ग बिल्डअप कैसा किसे कहते हैं, शॉर्ट बिल्डअप कैसे कहते हैं, कब पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए, कहाँ पे हमें सपोर्ट ढूंढना ही ढूंढना चाहिए, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर समझ में आ जाती है तो आप बहुत अच्छे से अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, चाहे वो ऑप्शंस बाय करने का हो, ऑप्शंस को नेकेड ट्रेड करने का हो, चाहे ऑप्शंस को हेज में ट्रेड करने का हो, चाहे फ्यूचर ऑप्शंस हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे कुछ भी, कोई भी अंडरलाइन को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस मास्टर क्लास इज ऑल अबाउट दैट। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिस इज द गोल्डन फुल अपॉर्चुनिटी। उसमें मैंने कभी भी ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर नहीं किया क्योंकि उसमें मुझे आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाती अच्छे से, आपसे सीखने समझने का, आपको जानने का मौका नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस आर बैक, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, आइए प्रिकॉशंस लीजिए, अपने टीकाकरण आपने कर ही लिया होगा, आपने मेडिसिन ले लिए होंगे, आप सही होंगे, आप आइए क्लासेस को सीखिए, डरने की जरूरत नहीं है। बाजार में अगर रहना है, बाजार में लंबा अगर करियर सोच रहे हैं, अगर सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए दिस क्लासेस मस्ट। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को हम कैसे समझ पाए, बैंक निफ्टी का ट्रेड कैसा रहा। 36,140 के आसपास में ट्रेड रहा और ऑलमोस्ट ये ट्रेड भी हमारा कहीं ना कहीं निफ्टी की ही तरह रहा। सेलिंग प्रेशर आज बैंकों में देखने को मिला या नहीं मिला देख लेते हैं। तो बैंक गिरे हैं, बैंक 1% गिरे हैं और मेटल्स 1.21% बड़ा, फार्मा बड़ा, निफ्टी आईटी फ्लैट रहा, एफएमसीजी गिरा। और एफएमसीजी के ऊपर बात करेंगे, वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, हिंदुस्तान यूनिलीवर की पूरी चर्चा करने वाले हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और कितना गिर सकता है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। रियलिटी भी गिरा, बाकी सब चीज़ें गिरी, कमोडिटीज बढ़ा है, एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा है, इसमें अदानी पावर आज देखेंगे तो 6.5% के आसपास में बढ़ा है। दोस्तों सेल भी 104 रुपए के आसपास आया, 4.5% बाजार गिरा बट सेल थोड़ी चला। एनआरवी बेयरिंग की जिसकी मैंने बात की थी आपसे, वो आज बढ़ा, वो भी आज 122-123 रुपए के आसपास में चला गया है। हमने गुजरात गैस की बात पहले भी की है, गुजरात गैस के बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्या इसमें पोजीशंस कैसी बन रही हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसा बन रहा है और बैंक निफ्टी में कल हम क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्या हम ट्रेड बना सकते हैं, क्या प्लान बना सकते हैं। बिल्कुल भी रिकमेंडेशंस नहीं है बट हाँ, क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए आपके सामने बहुत ही क्लियर थे 36,140 के आसपास में बाजार, ये भी आज पूरा का पूरा सेलिंग ट्रेंड में ही बाजार रहा है। देखिए पूरा सेलिंग ट्रेंड में ही रहा है और बिल्कुल डे लो पे ही क्लोजिंग हुई है। डे लो पे क्लोजिंग होना, सेलिंग ट्रेंड में बंद होना एक नेगेटिव साइन रहता है बिल्कुल, और एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे निफ्टी बंद हुई है। देखिए सपोर्ट जोन पे, ये सपोर्ट ब्रेक होते ही बहुत ही क्लियरली ये सपोर्ट हमारे सामने 35,800 का लेवल सामने आएगा। 35,800 ब्रेक होगा तो फिर हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 35,600 का। यहां पे हम एक तलाश करेंगे सपोर्ट की क्योंकि यहां से हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। दिस सपोर्ट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 35,500 टूटेगा तो वहां पे हम फिर से इंट्राडे की बाइंग की पोजीशंस बनाएंगे लुकिंग एट द ऑल सिनेरियोस। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं हिंदुस्तान लीवर कब तक गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, यह समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, हिंदुस्तान यूनिलीवर है क्या? एक एफएमसीजी कंपनी है जो हमारे लिए सब कुछ बनाती है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, जिसमें साबुन तेल या कोई भी, अगर आप अपनी किचन को, अपने बाथरूम को देखने की कोशिश करेंगे, अपने घर को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के 60% प्रोडक्ट्स उसी के मिलने वाले हैं। इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 70-80% आर कैप्चर्ड बाय द हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहां पे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती हुई कीमतें जो है जिसकी वजह से एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स महंगे हो रखे हैं, इसलिए ऑल ओवर द बोर्ड जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें सेलिंग चल रही है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट लीडर है, इसलिए मार्केट लीडर होने की वजह से इसमें अच्छा खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप देखने समझने की कोशिश करें तो मार्च 2020 में जो मंदी आई थी यहां पे इसका प्राइस था 1800 के आसपास, 1700 के आसपास ये स्टॉक ने नीचे गिर गया था। यहां से धीरे धीरे देखिए वोलेटाइल स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक है, बीटा अच्छा है इसका, तो ये स्टॉक ने अच्छी खासी रैली बनाई। 2800 के आसपास ये स्टॉक चला गया, 1700 से 1800 के आसपास चला गया था। अब यहां पे अक्टूबर 2021 के बाद से लगातार स्टॉक गिर रहा है, इन्फ्लेशन की मार को झेल रहा है और यहां पे हो सकता है फिर से, अगर ये जो लो मार्च 2020 के थे जो पैनिक सेलिंग के थे, ये बहुत ही क्रुशल रहने वाले मेरे हिसाब से। यहाँ पे इससे नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये एडवर्स सिचुएशन थी और यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको एक रेजिस्टेंस था जो हमारा ब्रेक हुआ था, जिसके बाद बाजार ने एक चाल दिखाई थी। मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे तो अगर किसी भी वजह से 1850, 1870 या 1900 के लेवल में अगर ये स्टॉक एंटर करता तो मैं इसमें पोजीशन बनानी स्टार्ट करता हूँ। मैं इसमें डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, मार्केट लीडर है, कोई शक नहीं। इस प्राइसेस में जहाँ मार्च 2020 में क्रैश हुआ था, अगर ये प्राइसेस मुझे फिर से मिल जाते हैं जिसके मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, तो मैं इसमें 100% मैं बाइंग करने वाला हूँ। आपको नहीं कर रहा हूं कि आपको लेना है कि लेना, अपनी पोजीशंस अपनी स्ट्रेटजी से ही इसको बाय करेंगे। तो यहां पे अगर हम एडलवाइज सिक्योरिटीज की बात करें, जैसे मैं अभी कुछ देख रहा था तो यहां पे भी हिंदुस्तान लीवर के बारे में देखा जाए तो एडलवाइज ने भी इसमें बाइंग रेटिंग दी है, मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें बाइंग रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल ने 2500 रुपए का टारगेट दिया है और इसमें एडलवाइज ब्रोकिंग ने इसका टारगेट 2300 रुपए के आसपास का दिया, जो मुझे समझ में आता है और ये बिल्कुल रीसेंट टारगेट है, मार्च 2017 के आसपास में ही दिया हुआ टारगेट है। तो यहां पे ये स्टॉक मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा रडार में रखना चाहिए आपको, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए अच्छी कंपनी है, तो आप अपनी एनालिसिस करके ही इसका ट्रेड लें। चलिए देखते हैं, एक नजर डालते हैं हिंदुस्तान लीवर के बाद में स्टील अथॉरिटी और एनआरबी बेयरिंग के बारे में। दोस्तों स्टील अथॉरिटी की बात करें तो 4% के आसपास ट्रेड बंद हुआ और
बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस ये स्टॉक पार करता हुआ, और मेरे हिसाब से स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली रही, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 104 रुपए के लेवल पे। बट ठीक है, मेरे हिसाब से इसने 100 रुपीज के लेवल को बहुत अच्छा डिसाइसिव वॉल्यूम के साथ में इसने क्रॉस किया है, तो मेरे हिसाब से सीरियस अथॉरिटी एक अच्छा कंटेंडर बन जाता है आने वाले टाइम के लिए। वहीं एनआरपी बिलिंग्स की बात करें तो 117-118 रुपए के आसपास हमने इसको देखा था। आप देखेंगे इसी प्राइसिस पे, एग्जैक्टली इसी प्राइसिस पे मैंने आपको इस स्टॉक को कहा था देखने के लिए, अपने रडार में रखने के लिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पे इस स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया है, जो एक अच्छा फॉर्मेशन है, और बढ़िया लेवल से ये स्टॉक वापस बाउंस कर रहा है। ये भी अपनी तरह से इंडस्ट्री का एक लीडर स्टॉक है। अगर देखेंगे तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो एनआरबी बेयरिंग्स के 60% ऑफ द व्हीकल रन्स ऑन द रोड, जो सड़क पे हैं उन वो एनआरबी बेयरिंग्स के पार्ट्स पे रन करते हैं, कहीं ना कहीं एनआरबी बेयरिंग्स का उसमें रोल रहता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 120-121 रुपये का अच्छा लेवल पार हो रहा है। यहाँ पे डिसाइसिव वॉल्यूम्स अगर इसमें आती है तो आने वाले दिनों में मुझे भी ये स्टॉक 150-200 रुपये के आसपास होगी, ये स्टॉक वापस दोबारा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट हम मेरी एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ। एनआरबी बेयरिंग के बाद अगर देखने की कोशिश करें, एक स्टॉक जो आपको दिया है मैंने, गुजरात गैस। गुजरात गैस में भी एक कंसोलिडेशन ही चली, हालांकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में एक कंसोलिडेशन का एक पार्ट बन रहा है। अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम्स कभी भी जनरेट हो सकते हैं, 480 के आसपास का लेवल अगर इसमें मिलता है, मैंने कहा था ये रिसेंटली आपको 22 मार्च को 2:30 बजे के आसपास में इसने 480 के आसपास का लेवल बनाया था, मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर वो मिलता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजीशन एंट्री मैं करने की कोशिश करूँ। मैंने कुछ पोजीशंस बनाई भी हैं, हल्की फुल्की पोजीशंस बनाई हैं, बट मुझे लगता है ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में सरप्राइज कर सकता है, तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। दोस्तों ये था पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज का। हाल कल के मार्केट के लिए और कौन से स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं कल के लिए पोजीशंस के लिए मैंने आपके सामने रखे हैं, प्लीज अपनी एनालिसिस करने के बाद ट्रेड लीजिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वंस अगेन आई वुड वेलकम यू टू द मास्टर क्लास ऑफ डेली व्हिच इज गोइंग टू हैपन ऑन 24th of April, जिसमें हम बिल्कुल लेमैन की टर्म से बच्चों की तरह सीखने वाले हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, ऑप्शंस को कैसे बाय करना है वो देखेंगे, क्या गलतियां आपसे हो जाती हैं एक्स्ट्रा ट्रेड लेने में वो गलतियों को रिमूव करने वाले हैं, क्या अच्छी हैबिट्स होंगी, क्या अच्छा साइकोलॉजी होगी, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सेटअप क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच क्या होती है, ये सब जानने के लिए, ये सब सीखने के लिए आप ज्वाइन कीजिए मेरी एक दिन की मास्टर क्लास जो 24 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली है। उसके बाद हम बाकी शहरों में चलने वाले हैं और धीरे धीरे पूरा शेड्यूल आपको दे दूंगा, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इस पर क्लिक करके आप मुझे ज्वाइन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी नॉलेज सभी तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे कीजिए, टेक केयर, जय हिंद।